जबलपुर में आने वाले त्योहारों को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगी हुई है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को आदेशित किया गया है। वही संजीवनी नगर थाने में इन्हीं तैयारियों को लेकर शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवरात्र के दौरान गरबा के होने वाले आयोजनों को लेकर समिति के सदस्यों से चर्चा करते हुए मौजूद थे। आयोजन के दौरान निर्धारित किए गए नियमों की जानकारी भी समितियों के सदस्यों को दी गई। इसके साथ ही पुलिस ने आम जनों से भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के सहयोग की अपील की है। गौरतलब है कि त्योहार और चुनाव एक साथ होने के चलते पुलिस के सामने अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिनसे निपटने की तैयारियां उनके द्वारा अभी से की जा रही हैं। जबलपुर से बाजिद खान की रिपोर्ट। आज दिनांक को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि अपने अपने थाना क्षेत्र में गरबा महोत्सव की मीटिंग ली जाए। तो इस संबंध में मैंने जहां जहां हमारे क्षेत्र में संजीवनी नगर क्षेत्र में गरबा जो है गरबा महोत्सव कार्यक्रम किया जाता है, 5 जगह किया जाता है, सभी आयोजकों को मैंने तलब करके जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के जो निर्देश प्राप्त हुए थे उन निर्देशों को जो है पढ़ करके उनको बताया गया है, और तथा वॉलंटियर फैलाने के संबंध में और व्यवस्था के संबंध में समुचित उनको जानकारी दी गई है। आज दिन उनको कितनी समितियाँ, इसमें 5 समितियां हैं, 5 जगह थाना क्षेत्र में जो है महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। पुलिस व्यवस्था जो है लगाया जाएगा, अलग अलग दिन में है, मतलब एक ही दिन में सभी जगह नहीं है, सभी अलग अलग दिन में है, अलग अलग डेट वाई है, तो उस हिसाब से पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी।